हेलो, मेरा नाम है विराज सत श्री अकाल। मेरा नाम है जैस्मिन। और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल। तो रिएक्शन के सुपरस्टार में। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं ब्लडी डैडी मूवी के टीजर पे। किसकी यस, है? शाहिद कपूर एंड संजय कपूर है उसमें। और सब बढ़िया। और डायना पेंटिंग तो शाहिद कपूर जो भी हमें रिसेंटली दिखे थे फर्जी में, फर्जी में, एक बिल्कुल ही डिफरेंट रोल था उनका फर्जी में, काफी लंबे बहुत टाइम सही वेब बाद। सीरीज, मेरे को बहुत हाँ पसंद आई हाँ सीरियसली। बहुत सही वेब सीरीज थी। और अब बिल्कुल ही डिफरेंट रोल में दिख रहे हैं, मतलब फुल्ली एक्शन पैक मोड में। पूरी एक्शन थ्रिलर मूवी है, बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। हाँ, ये भी मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तगड़ी होगी, क्योंकि शाहिद कपूर अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अभी शाहिद कपूर और कृति सेनन की एक और मूवी आने वाली है, इम्पॉसिबल लव स्टोरी, मतलब टाइटल नहीं है ये, बट आने वाली है। अच्छा, मैंने नहीं सुना, अभी तुमसे ही सुना मैंने। वो भी आई थिंक जियो स्टूडियो भी आएगी। अच्छा, ये भी जियो तो स्टूडियो भी आ रही हाँ, है। इसका टीजर रिलीज हुआ है, कब हुआ है इसका टीजर? थर्सडे को है, थर्सडे? हाँ इतनी पहले हुआ है? शायद थर्सडे को ही हुआ है। कल हुआ है इसका कल टीजर हुआ रिलीज। है? थर्सडे हाँ किसका हुआ है? थर्सडे, पता नहीं किसका हुआ है। कल इसका टीजर रिलीज हुआ है, ब्लडी डैडी, और जियो स्टूडियो पे रिलीज हो रही है, मतलब जियो सिनेमा पे रिलीज होगी। अब देखने में तो ये भी चीरफाड़ वाली लग रही है, हाँ, चीरफाड़ वाली लग जो रही है। थंबनेल लगाया हुआ है ना उसी हिसाब से। अली अब्बास जफर की डायरेक्शन है, तो देखते हैं चलो कि ये टीजर कैसा है। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी सारी वीडियोस पे जाके देख देख के लाइक करने हैं, कमेंट करने हैं, पिछली वीडियो पे भी जाके लाइक करने हैं। हाँ, और जब तक रिएक्शन खत्म ना हो वीडियो और में यार बने बेल रहे, आइकन जरूर दबा दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिल मिलता पाए। रहे, तो वीडियो में बने रहे। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। Films. कहाँ, दुबई में है ये? बैंकॉक, इसमें भी यार ब्लैक सी थीम ही है, बाकी अभी पता चलेगा। थाईलैंड। नहीं, इसमें भैया दूसरे ब्लैक का बस। नाइन्थ 9th ऑफ जून जून तो काफी छोटा था, 1 मिनट 16 सेकंड का ही था। टीजर स्टार्टिंग में है, ही, हाँ स्टार्टिंग में टीजर। चीरफाड़ स्टार्ट हो गई, हाँ, लग तो रहा है ग्लिम्स ज्यादा लगा, टीजर कम लगा थोड़ा। टीजर देख के स्टोरी का ज्यादा पता तो नहीं चला, बट इतना पता चला है कि ये ब्लडी डैडी हाँ, है। और डायना बेंटी कॉप के करेक्टर में है, मतलब इसको ही ढूंढ रही होगी, या संजय कपूर आई थिंक अंडरवर्ल्ड वगैरह में ड्रग्स वगैरह बेचता है, ये विलन लग थोड़ा रहा है। ये उसके अंडर काम करता होएगा ऐसा लग नहीं हाँ रहा हाँ ये इनके लिए काम उसके। करता रोनित होगा, रॉय के अंडर किसका, कौन नहीं था वो? संजय हाँ संजय, कपूर। हाँ संजय हाँ, कपूर, संजय कपूर के अंडर काम करता होगा, फिर शायद आगे जाके कुछ हो जैसे जाता फर्जी थी होगा। अभी वो किसी के अंडर हाँ, काम तो फिर करता खिलाफ हो जाएगा आई थिंक, है था, ना? पर लास्ट में तुम्हारा है नहीं, ये अभी बाद में खिलाफ हो जाएगा संजय कपूर उसने। के, हाँ ये ये है। कुछ और इनकी, इसकी बैक स्टोरी कुछ होगी तो खिलाफ हो जाएगा, तो फिर संजय कपूर आमने सामने हो जाएंगे। मे भी ऐसे कुछ होगा, देख के तो लग ही रहा है। वैसे अब तो सारी एक्शन ही आ रही है, मूवी जितनी भी आ हाँ, रही है। बाकी शाहिद कपूर मस्त लग रहा है टीजर में, और टीजर भी काफी अच्छा लग रहा है। जॉन विक की याद आ गई मुझे तो इसको देख के, हालांकि जॉन विक का तो बहुत अलग लेवल का एक्शन है, पर फिर भी काफी कुछ नयापन देखने को मिला है काफी लंबे टाइम बाद। रोके हैंडसम दिखी थी इससे पहले, जॉनी ब्राह्म था जिसमें ऐसे एक्शन करते हुए, अब शाहिद कपूर इवन है। की शाहिद तो काफी लड़कियों का क्रश भी रहा है पहले, हाँ, तो मतलब अभी बिल्कुल ही विवाह मूवी से देखा डिफरेंट तुमने, अभी कितना चेंज है इस लड़के में, कितना मासूम लड़का था है। और क्या बन रहा है अब ये। तो खैर शादी हो गई है बहुत पहले से, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अब नहीं तो तो ऐसे ही बहुत रोल लड़कियों सही का क्रश है। हाँ करेंगे, सही बात है। अब तो ऐसे ही रोल सही रहेंगे, फर्जी हो गया, ये रोल हो गया। तो टीजर तो मुझे तो अच्छा लगा काफी, ट्रेलर देख के पता चलेगा कि कितना बड़ा एक्शन होने वाला है, कितना लंबा एक्शन होने वाला है। हियोल्स मुझे भी अच्छा लगा ये।
टीजर में एक भी डायलॉग नहीं है, ये बात मैंने नोटिस नहीं करी। हाँ एक डायलॉग है जब वो बोलता है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, है ना। और यार तुमने देखा आजकल वो सारा कुछ दिखाने लग जाते हैं कॉप्स, जैसे हमने वो पिछला रिएक्शन दिया ना किसका, सलमान खान वाला, क्या था वो ट्विस्टिंग नेक, कुछ सब कुछ लिखा आ जाता। अब क्या कर रहे हैं पता नहीं है, मे बी एज इट ब्लो योर हेड। बाकी मस्त था, बाकी टीजर तो अच्छा लग रहा है। 9 जून को नहीं, 9 जून को रिलीज होने, मतलब थिएटर में रिलीज करनी चाहिए थे, जियो सिनेमा पे रिलीज करना शायद गलत डिसीजन है ऐसी ऐसी मूवीज का। बाकी जियो सिनेमा पे भी काफी चल रही है, ऐसी बात नहीं आजकल तो वैसे भी नहीं, एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहता एक्शन ने। अब देखते हैं फिर भी क्या ट्रेलर कैसा होने वाला है, पता चले ट्रेलर के बाद लगे कि जियो सिनेमा पे ठीक थी। सही बात है, ये भी है। बाकी ट्रेलर में तो एक्चुअली पता तो ट्रेलर में चलता है ठीक क्या है मूवी, और रियल स्टोरी तो फिर कहानी देख के पता चलता है सारी मूवी। तो आपने टीजर देखा तो आपको टीजर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हमारा रिएक्शन कैसा लगा बढ़िया ही लगा होगा। तो बढ़िया लिख के बता देना। अरे नहीं भी लगा होता ना तब भी कमेंट करके बता दिया करो, भी नहीं लगा है ना। हाँ करेक्ट है, बाकी सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अरे पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे कोई। ठीक है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।